हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स एक्स फाइल का दूसरा भाग। कमिश्नर तिरंगा को लेकर उस हॉस्पिटल पहुंचा जहां जबरदस्त पहरे में डॉक्टर एक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने गोलियां तो निकाल दी है, फिर भी अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जिंदा रहेगा या नहीं। पूरी दिल्ली खतरे में है, इसका बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर रे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तिरंगा, हम ये मानकर चुप नहीं बैठ सकते कि इसने RDX फिट नहीं किया होगा, क्योंकि बस नदी में गिरने के पूरे 8 घंटे बाद ये तुम्हें मिला है, और वो भी जिंदा। हो सकता है कि RDX पहले ही फिट किया जा चुका हो, इसने उस समय के अंदर RDX एक्टिव कर दिया हो। हम उस पूरे एरिया को बम डिटेक्टर द्वारा चेक कर सकते हैं जहां वो मिला है। इस काम में जासूसी कुत्तों की मदद ली गई थी, पर 50 मीटर आगे शांति वन के पास वो भटक गए। वहां हमने पुलिस का पहरा बिठा रखा है। मैं उस जगह को एक बार खुद देख कर आता हूँ। तिरंगा को वहां तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुत्ते यहीं से आगे नहीं बढ़ पाए थे तिरंगा, और इन्हीं पेड़ों के आसपास चक्कर लगाते रहे थे। एक्स काफी चालाक है, उसने कुत्तों को नहीं बल्कि पुलिस को धोखा दिया है ताकि पुलिस यहां से आगे ना बढ़ पाए, जबकि मेरे अनुमान से कुत्तों को इससे आगे एक्स की गंध ही नहीं मिली। और वो गंध क्यों नहीं मिली, इसका मुझे पता लगाना है। यू के ढूंढ रिया से जो हमको भी ना मिल गया, मने के पता। अरे वो क्या है, तीन तीन फीट लंबे दो बांस और रस्सी, जिसमें से एक बांस टूटा हुआ है। ओह गॉड, मैं समझ गया कि कुत्तों को आगे जाने के लिए एक्स के कदमों की गंध क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो इस तरह से चलता हुआ यहां तक पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद एक बांस टूट गया होगा, और फिर यहां से आगे वो पैदल चलकर वहां पहुंचा और बेहोश हो गया। इसके पांव रस्सी से छिले हुए हैं, यानी यह साबित हो गया कि यह उसी तरीके से चलकर आया जैसा मैंने आपको बताया है। कमिश्नर साहब, अब यह बात सिद्ध हो गई है कि एक्स ने यह चालाकी पहले से ही कहीं प्लांट किए गए RDX को एक्टिव करके दिल्ली पर खतरे का बिगुल बजाने के लिए दिखाई, ताकि पुलिस उस स्पॉट को ढूंढ ना पाए जहां RDX एक्टिव किया गया है। ओ गॉड, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि RDX कहाँ एक्टिव है? वो तो सिर्फ एक्स ही बता सकता है जो कि इस वक्त कोमा में है। उफ, दिल करता है कि इसके हलक में हाथ डालकर सारी जानकारियां इसके सीने के अंदर से खींच लूं। रिलैक्स तिरंगा, फिलहाल ये हमारे लिए मुर्दे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हमें जो करना है अपनी ही काबिलियत के दम पर करना है, मगर उसमें तो वक्त लगेगा। तब तक अगर RDX फट गया तो भयानक विनाश मच जाएगा, और उस विनाश को एक ही तरीके से रोका जा सकता है। कैसे? तुम क्या कहना चाहते हो तिरंगा? अगर RDX को दिल्ली की तबाही के उद्देश्य से लाया गया है, तो उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसे अकेला एक्स नहीं लगा सकता था। यानी एक्स के गिरोह को भी इस बात की जानकारी होगी कि वह कहाँ पर फिट है, मगर उनके जानने से इस वक्त हमें क्या फायदा मिलेगा? मिलेगा, और जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर पुलिस का कोई जासूस उनके दल में शामिल हो जाए तो हमें पता लग सकता है कि RDX कहाँ पर फिट किया गया है। मैं एक्स ग्रुप को इतना बेवकूफ नहीं मानता कि वो इतनी जल्दी बिना छानबीन किए किसी भी नए आदमी को अपने दल में शामिल कर लेंगे। यह काम नहीं हो सकता। हाँ, यदि कोई आदमी एक्स का फेस मास्क लगाकर उनके गैंग में शामिल हो जाए तो बात बन सकती है। नहीं, आज के समय में वह शातिर अपराधी पुरानी चाल से धोखा नहीं खा सकते। यह काम हो सकता है कमिश्नर साहब। डॉक्टर रे, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जो तिरंगा कह रहा है वो काम हो सकता है, मगर कैसे? डॉक्टर रे ने उन्हें
एक अन्य कक्ष में ले गया। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं तिरंगा, आप भी गौर से देखिएगा कमिश्नर साहब। डॉक्टर रे ने दो मुखौटों को अलग कर लिया। ये समझ लो तिरंगा कि ये एक्स है और ये दूसरा पुलिस का कोई जासूस। डॉक्टर ने जिस मुखौटे को जासूस कहकर संबोधित किया था उसके चेहरे से उसकी स्किन उतार ली। अब मैं ये स्किन केमिकल की ट्रे में रख देता हूँ। तब डॉक्टर रे ने एक्स वाले मुखौटे की स्किन उतारकर जासूस के मुखौटे पर चढ़ा दी। अब जासूस को एक्स का चेहरा मिल गया है और एक्स को चेहरे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह कोमा में है। ओह, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप एक्स के चेहरे की स्किन को हटाकर पुलिस के किसी जासूस के चेहरे पर फिट करके उसे एक्स बना देंगे? असंभव, यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक फिल्म फेस ऑफ में इस तकनीक को फिल्माया भी गया है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास में आज तक ऐसा करिश्मा नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो हम अपने उस जासूस को एक्स गिरोह में भेजकर आरडीएक्स का पता लगवा सकते हैं, मगर उस सूरत में जासूस की फेस स्किन को भी आपको हटाना होगा। तब उस स्किन का क्या होगा? वह स्किन केमिकल्स व फ्रीजर में सुरक्षित रहेगी। जब जासूस वह मिशन पूरा करके लौटेगा तब मैं दोबारा शल्य चिकित्सा से उसे उसका चेहरा वापस दे दूंगा और एक्स को उसका चेहरा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि एक्स अब कोमा से बाहर आएगा, पर अभी भी एक प्रॉब्लम और है। एक्स की आवाज। आप हमारे जासूस को हूबहू एक्स जैसी वो आवाज कैसे देंगे जिसे हम में से किसी ने भी नहीं सुना? वो जानकारियां उसे कैसे मिलेंगी जो एक्स को थी? तुम्हारी बात का जवाब मेरे पास है तिरंगा। अखबार व अन्य मीडिया के जरिए सब जानते हैं कि एक्स को 4 गोलियां लगी हैं। हम प्रचारित कर देंगे कि एक गोली ने उसकी वोकल कोर को भी थोड़ा नष्ट कर दिया है जिससे वो साफ नहीं बोल पा रहा है और सदमे से उसकी याददाश्त भी चली गई है। बाकी रहे एक्स के शरीर पर बने गोलियों के जख्म, तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी से मैं बना दूंगा। डॉक्टर रे, तिरंगा, आप लोगों ने मौजूदा स्थिति की जो तस्वीर मेरे सामने रखी है उसकी कल्पना ने मेरे मन में एक नई आशा जगा दी है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है वो ये है कि एक्स बनेगा कौन? अगर इन दिनों में मुझे खुद भी अपने ढंग से आरडीएक्स की तलाश न करनी होती तो मैं ही बन जाता एक्स। उस आदमी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि अभी हमारा देश ऐसे देशभक्तों से खाली नहीं हुआ है जो वक्त पड़ने पर सिर पर कफन बांध लेते हैं। डॉक्टर रे, मैं उस आदमी को फौरन आपके पास भेजता हूँ। वो आपके पास आकर सिर्फ इतना कहेगा कि मुझे तिरंगा ने भेजा है डॉक्टर साहब। ओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जाने क्यों गर्व से तन गया था कमिश्नर का सीना। तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा बेटे? अभय सर। और प्लीज सर, किसी भी पूछताछ में समय व्यर्थ मत कीजिए। एक एक पल कीमती है सर। उस वक्त जबड़े कसे हुए थे उस लड़के के और उसका जज्बा जायज था। यहाँ मैं नए पाठकों को बता दूं कि ये अभय ही तिरंगा है जो अभी अनड्रेस होकर अभय बनकर आया है, क्योंकि दिल्ली बारूद के ढेर पर थी। ना जाने दिल्ली के किस कोने में दबी सांसें भर रही थी तबाही, जिसे अब कुछ ही दिनों बाद अपना विकराल रूप लेकर बाहर आ जाना था। आरडीएक्स को निष्क्रिय करने का सिर्फ वही एक रास्ता था जो कि उस वक्त बंद था, और उस रास्ते को खोल सकती थी सिर्फ वही एक सूरत जिसे अब डॉक्टर रे लेजर टेक्निक द्वारा उस चेहरे से अलग कर रहे थे। और चूंकि यह टॉप सीक्रेट मिशन था इसीलिए इस काम में सिर्फ एक नर्स और असिस्टेंट का रोल खुद कमिश्नर साहब कर रहे थे। फोरसेप प्लीज। एक्स के चेहरे से फेस स्किन को डॉक्टर रे ने
जबरदस्त सावधानी के साथ अलग कर लिया। और तब डॉक्टर रे ने अलग किया अभय की फेस स्किन को, जिसे कुछ द्रवों में डुबोकर फ्रीजर में सुरक्षित करने के बाद डॉक्टर रे जुट गया उसे एक नया चेहरा देने में। लेजर टेक्निक द्वारा इतनी कुशलता से एक्स की फेस स्किन को अभय के चेहरे पर वेल्ड कर दिया गया कि कोई निशान तक नहीं बचने वाला था। एक घंटे के अथक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रे ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो उसकी आंखों में बिजली की सी चमक थी। ऑपरेशन सफल हो गया कमिश्नर साहब, उद्देश्य पवित्र हो तो सफलता कदम चूमती ही है डॉक्टर रे। अब मैं इस नौजवान के चेहरे से 12 घंटों के बाद जब पट्टी हटाऊंगा तो अभय नाम का ये नौजवान बन चुका होगा एक्स। अभय जो तिरंगा का मास्क पहनकर जुर्म की जड़ों को खोदने में लगा था, जिसे जुर्म से घृणा थी, जिसे मुजरिमों से नफरत थी, मगर आज वो जुर्म के कोड का एक हिस्सा खुद अपने चेहरे पर चिपका देख रहा था। जिस चेहरे से उसे नफरत थी वो चेहरा रोज देखना अब उसकी मजबूरी बन गई थी। अपने चेहरे पर चढ़े इस शैतानी चेहरे को मैं जल्दी ही मौत का रास्ता दिखा दूंगा। इसी चेहरे ने दिल्ली को तबाही के मुंह में धकेला है, अब यही चेहरा ढूंढेगा आरडीएक्स। जी हाँ, फर्ज के इस दीवाने अभय उर्फ तिरंगा के दिल और दिमाग में उस चेहरे की नफरत का जो जलजला उठ खड़ा हुआ है वो तभी शांत होगा जब उसे मिल जाएगा आरडीएक्स। क्या तिरंगा एक्स का चेहरा पाकर एक्स के दल तक पहुंच सका? क्या वह आरडीएक्स को ढूंढ सका? एक्स कोमा से जागा या नहीं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, आरडीएक्स। मिलते हैं आरडीएक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।